अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया। मोमो आज तो मजा आ गया काशफ। महमूद हाय महमूद है। अरे महमूद मैं हूँ। हाँ तो आप आ गए ना। ओ यार माँ जी को छोड़े महमूद साहब, 5 मिनट इसमें निकल जाएंगे यार। अरे रोजा हमने रखना था मोमो और सहरी तुम खा के बैठ गई हो। हाँ तो मुझे भूख लग रही थी ना रियाज। अच्छा जल्दी से लेकर आओ। क्या? अरे यार सहरी लेकर आओ। सहरी तो मैंने खा ली भी है। क्या? हाँ आपने तो बोला था कि सहरी जल्दी से बना लो, फिर खानी भी है जल्दी से, तो मैंने खा ली। अरे सहरी हमने खानी थी, रोजा हमने रखना था। हाँ तो पुत्र बेशक तू रोजा रख ले, मेरा तो पेट भी भर गया, तो मैं नींद आ रही है मुझे, मैं तो चलूं। हाय तू लग रोजा रोजा रखोगी ना? आ जाओ शाबाश। ओ यार महमूद साहब इससे पहले के सायरन बजे यार चलेगी गिलास पानी पी ले यार। ये जो हम पिएंगे वो पानी होगा जी। अच्छा सायरन बज चुका है मैं वो साहब। चलो फिर अट पैरा ही रख रहे इसे। पानी नबी क्या सोच रही है माँ जी? मैं सोच रही हूँ तेरा मियाँ कितने सख्त आमला है। माँ जी आम नहीं है कैरियां है। इसमें कैरियां भी हैं? ये कैरियां ही हैं। चल फिर ठीक है। माँ जी वैसे आपको महमूद साहब की जरा भी फिक्र नहीं? वो कैरियां नहीं खाते हैं। ओह मैं कैरियों की बात नहीं कर रही। फिर उन्होंने वाकई बुरा ख्वाब देखा है माँ जी। हाँ मेरे ख्याल में हमें सदका कर देना चाहिए। मेरे मियाँ का? नहीं माँ जी सदका खैरात कर देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस ख्वाब का हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़े। ना ना ऐसा ना बोल पुत्र, मैं अभी हुमायूं सईद को ना फोन करके पूछती हूँ। कौन हुमायूं सईद? वही जो सितारों की चाल बताता है। हुमायूं की तो अपने चाल चलन ठीक नहीं है माँ जी। हाँ हाँ याद आया, हुमायूं आशक महबूब। हाँ महबूब खान को फोन करती हूँ। महबूब खान शेफ है माँ जी, वो हुमायूं महबूब है। हाँ तो चलो उसको फोन कर लेते हैं। आपके पास उसका नंबर है? आगे स्क्रिप्ट में लिखा है, मैंने पढ़ लिया। शाबाश आ जा पुत्र। आए हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हुमायूं महबूब जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ना नीला बात कर रही हूँ। मुमताज? और ये मेरे बराबर में मुमताज बैठी हुई है, और मैं ना आपकी बहुत बड़ी वो हूँ, नहीं वो जो छत से लटकते ना वो, नहीं 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 कपड़े भी नहीं, हाँ नहीं बांदर भी नहीं ना। फैन? हाँ जी हाँ जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। माँ जी? हाँ जी। ये ले आप जी, इससे बात करें। ये ले तू भी क्या याद करेगी। जी क्या कर रही है? तेरी हुमायूं से बात करा रही हूँ है। माँ जी हमने महमूद साहब का ख्वाब पूछने के लिए फोन किया, उन्हें वो पूछे। महमूद का ख्वाब इसको कैसे पता होगा बेवकूफ? ख्वाब का मतलब पूछे माँ जी। वो तो मुझे पता है। क्या? ख्वाब का मतलब होता है ड्रीम। माँ जी। अच्छा हाँ हुमायूं भाई जी मसला बड़ा गंभीर है, वो हमने आपसे पूछना था। एक ख्वाब का मतलब यानी मेरे जो मियाँ है और मेरे जो पुत्र है ना वो प्रेग्नेंट हो गए थे। हाँ नहीं 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 हकीकत में नहीं, ख्वाब में। तो क्या 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 मतलब हुआ इसका? ओए होए हाय अच्छा हाय हाय होए अच्छा जी चलो चलो फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा उन्होंने? ये मैं अगले सीन में बताऊंगी पुत्र तुझे है। ओह यार महमूद साहब रोजा खुलने में कितनी देर है यार? पूरे 8 घंटे बाकी हैं। क्या? हाँ रफीक रफीक। ओ महमूद साहब माँ जी। और तू चुप कर, मैं तुझसे नहीं बोल रही हूँ। रफीक हाँ बोलो। मोमो मैंने हुमायूं महबूब से पता किया है अभी। किस चीज का? आपके ख्वाब का। वो कह रहे हैं बहुत ही खतरनाक ख्वाब है। क्या? हाँ जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आपके ख्वाब का असर खत्म करने के लिए ना
20 लोगों की इफ्तारी और खाना बना के मोहल्ले में बांटना है। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? चुप है। हमायों बाबा बड़े पहुँचे हुए हैं और ARY के ना बड़े बड़े जिन उनके कब्जे में है। हाँ ठीक है, फिर आप लोग 20 लोगों की इफ्तारी और खाना बना लीजिएगा, हम लोग मार देंगे। क्यों मेहमूद साहब? हाँ ठीक है भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। ऐशा वशे। नबील तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं और माँ जी 10 मिनट किचन में खड़े नहीं हो सकते और तुम हमसे 20 लोगों का खाना बनाने को कह रहे हो। खाना तो तुम लोगों को ही बनाना पड़ेगा। हाँ ये जो हमें बनाना पड़ेगा वो खाना होगा। जिसने ख्वाब देखे है ना वो ही बनाएगा। नबील तुम अपने होने वाले बच्चे के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम नबील, मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए ना शर्म आ रही है। जाओ जाके खाना पकाओ। आप भी उसके साथ खाना बनाएंगे जाके? हाँ जी, दोनों मिलकर खाना और इफ्तारी बनाएंगे। ये हम दोनों जो मिलकर बनाएंगे वो खाना और इफ्तारी होगी। हाँ बच्चू। ऐशा वशे। ओ जाए महमूद साहब शाबाश ना दे, जाए जाके सामान लेके आए यार। मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो फिर सामान ही ले आते। मैं थका हूँ महमूद साहब। तुम बहुत थके हुए हो नबील। महमूद साहब। अच्छा अच्छा, ज्यादा ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं है, चलो खाना बनाओ, मैं तरकीब बताता हूँ। क्या बनाना है? ऐसा करते हैं कोरमा बना लेते हैं। कोरमा क्यों? देखो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और 20 लोगों को इतने गोश्त में पूरा भी हो जाएगा। ये ठीक है, चले शाम में बनाएंगे फिर। अरे अभी बना के रख लेते हैं ना, ताकि दोपहर में नमाज के बाद आराम से सो सके। और अफतारी? अरे अफतारी बाहर से ले आएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे यार? अरे इस सामान में से मैंने 500 रुपए बचा लिए हैं। वेरी गुड महमूद साहब, चलो आप फिर शुरू करें। महमूद साहब क्या खुशबू आ रही है नबील। लेकिन खुशबू तो मैंने डाली नहीं इसमें महमूद साहब। अरे ये बार बार लाइनें रिपीट मत किया करो तुम। मैं कहाँ रिपीट कर रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ यार। अच्छा ये बताओ रोजा खुलने में और कितना टाइम है नबील? सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे और है महमूद साहब। क्या आप जल्दी चले यार, नमाज का वक्त हो रहा है। हाँ चलो नमाज पढ़ के आएंगे, उसके बाद सुकून से सो जाएंगे। हाँ शाम को अफतारी बाजार से लाकर बांट देंगे। ये जो हम शाम को लाकर बांटेंगे वो अफतारी होगी। यकीनन। अच्छा आइए, नमाज का वक्त हो गया। सवेरे मैंने खुद अपने मियां को अपने हाथों से जगाया है। आप मुझे इस घर में साथ रख लें, कल से मैं आप लोगों को उठाया करूँगा। नूर आ गया मान से। मेरा नाम महमूद है। आओ नबील चलो अंदर चलकर आराम करते हैं। चले यार। हाय हाय। आप लोग आ गए? नहीं जानू अभी नहीं आए। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कोरमा किसने बनाया? मैंने। और तरकीब किसने बताई थी? मैंने। भाई बहुत ही लजीज कोरमा था, क्यों माँ जी? हाँ जी। अरे लेकिन वो कोरमा तो हमने मोहल्ले में बांटने के लिए बनाया था। तो हम भी आपके मोहल्ले में ही रहते हैं। अरे आप तो हमारे दिल में रहती है।
महमूद साहब सारा खाना खत्म हो गया यार। क्या? हाँ। अरे 20 लोगों का खाना तुम दोनों खा गईं? मैंने तो एक आदमी का खाना खाया था। किस आदमी का? मेरा मतलब है मैंने तो सिर्फ एक प्लेट खाई थी। हाय तूने प्लेट भी खा लिया? हाँ। अरे तो बाकी 19 लोगों का खाना कहाँ गया? मुमताज। हाँ जी बोली। अब क्या करेंगे महमूद साहब? करना क्या है पुत्र, 20 लोगों का खाना बना एकदम ताजा फ्रेश शाबाश। चल 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 जाओ। ये चीज चल यार चल यार चल तू चले आए मैं चले ना आप ही तो हम भी चले ना इधर। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा कोई गाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए जलता जा। फिर आप लोगों को इफ्तारी मिलेगी भी नहीं। चले महमूद साहब यार नेक काम में क्या देर करनी। 5 मिनट रेस्ट कर लो ना। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। चले यार बांटे। ये तो गए। चल मुझे भी उठा के ना चल एसी में लेके चल चल आए। अरे बबल फुलाए चलता जा कोई आए जाए जल्दा जा। ओ नबील बस आखिरी दो घर रह गए। महमूद साहब अभी 10 मिनट पड़े। हाँ। आना चलते हैं दो घर भुगता आते हैं। ठीक है। हाँ। सुन अपने लिए अफतारी के लिए अलहदा से डाल के रख लिया है ना। हाँ हाँ मैंने 2 पूरी ट्रे भर के रखी है। माँ जी और खूबसूरत सो रही हैं। आके सुकून से अफतारी करते हैं। पेट भर कोरमा खाएंगे लजीज कोरमा। हाँ जी आ जा फिर जल्दी से चले। चलो आ जाए। माँ जी खूबसूरत। क्या हुआ पुत्र? माँ जी ये हमारी इफ्तारी थी यार। लो हम तो समझे कि आप लोगों ने अपनी इफ्तारी अलग रख दी होगी। क्या करें नूर हसन बच्चों को बहुत देर तक भूखा भी तो नहीं रख सकते ना। चल पुत्र राम करने चले। खूबसूरत नबील यहाँ गुस्सा करने से बेहतर आओ मस्जिद में चले। ये ना वहाँ भी अफतारी खत्म हो जाए। मैं मुसाफिर आ गया।